सबसे पहले अगर मैं 42 का स्क्वायर निकालूं तो इसका आंसर आएगा दोस्तों 1764 गाइस, इसका आंसर आएगा दोस्तों 3 का स्क्वायर होगा 9, 7 का स्क्वायर 49, सो गाइस इसका आंसर आएगा इतना आएगा। अब मैं बड़ा नंबर लेता हूं दोस्तों 204, तो इसका आंसर आएगा 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 का स्क्वायर होगा 16, तो मैं दो बार लिख देता हूं, ये हो गया हमारा आंसर। और ये बड़ा नंबर लेते हैं दोस्तों, इसका आंसर आएगा 3 का स्क्वायर होगा 9 गाइस, देन आफ्टर इसका हो जाएगा 73 और 44, ये हो गया हमारा आंसर। देखा दोस्तों, कुछ सेकंड्स के अंदर मैंने इन चारों का आंसर बता दिया। तो ये जो ट्रिक है आज आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आप सभी लोगों का आपकी अपनी चैनल मैथ्स एट योर फिंगर टिप्स पे स्वागत है। तो दोस्तों सबसे पहले हम 2 डिजिट का सॉल्व करते हैं, उसके बाद 3 डिजिट का देखेंगे। 3 डिजिट का जरूर देखना, आपको बहुत मजा आएगा। तो सबसे पहले हम 2 डिजिट का सॉल्व करते हैं। आपको कोई भी नंबर का स्क्वायर निकालना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 लाइन ड्रॉ कर देनी है दोस्तों। क्या करना है, 3 लाइन ड्रॉ करनी है। अब क्या करेंगे, हमारे पास 2 डिजिट है, जो पहला डिजिट है उसका स्क्वायर करके हमें पहले लाइन के ऊपर लिखना है। जैसे कि 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा ना, तो मैंने क्या किया, 4 का स्क्वायर 16 लिख दिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, जो हमारा दूसरा डिजिट है 2 है, तो 2 का स्क्वायर करके हमको लास्ट वाले लाइन के ऊपर लिखना है। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 4 होगा, तो मैंने लिखा 4 गाइस। बहुत ही आसान है, क्या किया दोस्तों, जो पहला डिजिट था उसका स्क्वायर पहले लाइन के ऊपर लिखा, जो हमारा दूसरा डिजिट था उसका स्क्वायर मैंने तीसरी लाइन के ऊपर लिखा। अब क्या करेंगे दोस्तों, जो हमारी बीच वाली लाइन है उसमें हम क्या लिखेंगे, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कराना है। 4 टू जा कितना होगा, 8 होगा, और 8 को 2 से मल्टीप्लिकेशन कराना है, तो 8 टू जा कितना होगा, 16 होगा, तो हम क्या लिखेंगे, 16 लिखेंगे। अब एक और चीज करनी है, बहुत ही आसान है, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। ये 4 हम लिख देंगे इधर, ये 6 हम लिख देंगे इधर। आपको इन दोनों में से जो ये वाला है ना, वो ही हमको लिखना है, यूनिट प्लेस ही हमको लिखना है। और क्या करेंगे, जो ये हमारा 1 बचा ना, उसको हम इसमें ऐड करा देंगे, तो 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, तो हम लिख देंगे 17, तो ये हो गया हमारा आंसर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, जिससे आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, 3 लाइन बना देनी है, तो हम 1 2 3 3 लाइन बना दी। अब क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, तो हम लिखेंगे 49 गाइस। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, तो हम लिखेंगे 9। बहुत ही आसान था। अब क्या करने को बोला, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। 7 3 का कितना होगा, 21, 21 प्लस 2 कितना होगा, 42, तो हम लिखेंगे 42। अब क्या करना है दोस्तों, ये दो नंबर तो आपको एज इट इज लिख देने हैं, और ये नंबर है उसमें हम इसमें ऐड करा देंगे, तो 49 प्लस 4 कितना होगा, 53 होगा, तो हम लिख देंगे 53 गाइस। तो इस तरह हम कोई भी 2 डिजिट का नंबर कर सकते हैं। तो अब हम 3 डिजिट का सॉल्व करते हैं, देखना दोस्तों चुटकियों में आंसर आ जाएगा, आपको बहुत मजा आएगा। थोड़ी सी डिफरेंट मेथड है, लेकिन स्टार्टिंग में तो आपको वही करना है। क्या करेंगे, 3 लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब क्या करना है दोस्तों, जो हमारे पास 2 डिजिट थे उसमें हमारे पास 2 डिजिट थे, लेकिन इसमें हमारे पास 3 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, जो पहला है वो और जो हमारे लास्ट के दो है, इस तरह का हम ग्रुप बना देंगे। फिर वही करना है, जो हमारा पहला डिजिट है उसका स्क्वायर निकाल के हम क्या करेंगे, पहले लाइन के ऊपर लिखेंगे, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, तो मैंने 4 लिख दिया। अब हमारे पास क्या है, इधर 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा, तो हम क्या करेंगे, इधर 16 लिख देंगे। अब बड़े ध्यान से देखना दोस्तों, अब क्या करना है, इधर 0 है लेकिन उसको हमको इग्नोर करना है, और हम क्या करेंगे, जो पहले किया था उसी तरह का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 2 4 सा कितना होगा, 8 होगा, और 8 2 सा कितना होगा, 16 होगा, तो हम क्या करेंगे, 16 करेंगे। और एक चीज याद रखनी है दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनना, ये वाले को इसमें ऐड नहीं करना है, यही हो गया हमारा आंसर। देखा दोस्तों, बहुत ही इजी था, ये वाला सॉल्व करता है। ये क्यों इजी है वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। ये वाला सॉल्व करता है, सबसे पहले क्या करेंगे, 3 लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये हो गई हमारी लाइन। अब क्या करना है, 5 है, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा, तो मैं लिखूंगा 25।
6 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 36 होगा, तो मैं लिखूंगा 36। अब क्या करना है दोस्तों, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 5 6 का कितना होगा 30, 30 और 30 इंटू 2 कितना होगा 60 होगा, तो ये हो गया हमारा आंसर। देखा दोस्तों बहुत ही इजी था, क्यों इजी था, क्योंकि हमारे पास बीच में जीरो है, लेकिन अगर जीरो नहीं होता, 1 होता, 2 होता, तो क्या होता, वो अब मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, जिससे आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। तो बड़े ध्यान से देखना, अगर बीच में 1 होगा 2 होगा तो हम क्या करेंगे, मेथड वही है लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा। क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम ऐसे 3 लाइन बना देंगे। अब क्या करना है, ये हो गया हमारा पार्ट 1, ये हो गया हमारा पार्ट 2। अब क्या करना है, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, तो हम लिखेंगे 9। अब क्या करना है दोस्तों, 12 है, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, तो हम लिख देंगे 144 गाइस। अब क्या करना है दोस्तों, तीनों का मल्टीप्लीकेशन, 12 3 जा कितना होगा 36 और 36 2 जा कितना होगा 72, तो हम लिख देंगे 72। अब इसमें क्या करना है दोस्तों, जो हमने पहले किया था ना, ये इसमें ऐड किया था, लेकिन ये वाला इसमें ऐड नहीं करना है, ये वाला हम इसमें ऐड करेंगे। इधर हमें 2 ही नंबर लिखने हैं, तो 44 है, तो हम लिख देंगे 44, ये 1 हमारा इधर ऐड हो जाएगा, तो 72 प्लस 1 कितना होगा 73, तो हम लिख देंगे 73 और 9 हम एज इट इज लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो 3 डिजिट में जब इधर 2, 5 कुछ भी हो, तो हमको एक चीज याद रखनी है कि जो ये वाला टेबल है, ये वाली जो लाइन है, इसमें हम 2 ही डिजिट लिखेंगे, जो लास्ट डिजिट होगा, मतलब जो पहला डिजिट होगा, वो हम क्या करेंगे, इधर फॉरवर्ड करा देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अमेजिंग ट्रिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश से बातें रहिए, अपने आसपास सफाई रखें। थैंक यू सो मच गाइस।